हेलो एवरीवन, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आ चुका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट, ये एक लाइन मैंने ऊपर लिख दी यहाँ पर इसकी, कि लेट डी इक्वल टू ओपन डिस्क एंड एफ एन डी टू सी डिफाइन बाई बी ए फंक्शन डिफाइन बाई एफ जेड एफ एन जेड इक्वल टू जेड टू द पावर एन अपॉन एन फॉर ऑल एन इक्वल टू वन टू अप टू इन्फिनिटी, देन फोर ऑप्शन आर गिविन। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है हमें ये देखना है बेसिकली। तो देखिए ये जो फंक्शन है, ये इसका डोमेन यहाँ पर जो दिया है वो ओपन डिस्क एक गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द सीक्वेंस एफ एन जेड एंड एफ डैश एन जेड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात पूछिए। ओके, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, एफ एन जेड एक सीक्वेंस है। ओके, ये कितना है हमारे पास, जेड टू द पावर एन अपॉन एन। अब आप ही देखो ये वाली सीक्वेंस जब हम एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे हम, क्योंकि कन्वर्ज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने एन टेंड टू इन्फिनिटी किया, एन टेंड टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ वो टेंड करेगा, ठीक है ना। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, हम ओपन डिस्क में बात कर रहे हैं, यूनिट डिस्क में। ओके, सो ये मैं ऑप्शन ए लेके चल रहा हूँ सबसे पहले, क्लियर। तो मान लेते हैं कि कोई एप्साइलन पॉजिटिव, कोई आर्बिट्री नंबर ले लिया हमने, देन देर एग्जिस्ट एन, एन इज अ नेचुरल नंबर सच डेट वन अपॉन एन लेस देन एप्साइलन। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहलाती है कि फॉर ये किसी एप्साइलन पॉजिटिव के लिए देर एग्जिस्ट एन सच डेट वन अपॉन एन जो होगा वो इस एप्साइलन से लेस देन होता रहेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम फाइंड करते हैं इसी, मतलब हम ये कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी, एफ एन जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर एन अपॉन एन माइनस जीरो। ओके, एफ जेड यहाँ पर जीरो है क्योंकि ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा था यहाँ पर, तो हमने क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फाइंड करना है हमें, तो एफ एन जेड माइनस एफ जेड जो इसका लिमिट जहाँ पर ये कन्वर्ज करता है, लिमिटिंग फंक्शन जो है इसका, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो ये का ये हो जाएगा जेड टू द पावर एन अपॉन एन, ये लेस देन होगा किससे, एन से। ओके, जो कि होता है एप्सिलॉन से, इसे एप्सिलॉन से लेस मान लेते हैं फॉर ऑल एन, सभी उन एन के लिए एंड फॉर ऑल डी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ओके, तो यहां से ये हो गया कि एफ एन, अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और अच्छे से सीखना है तो आप मेरी रियल वाली वीडियो देख सकते हैं, हमने रियल में डिस्कस किया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ओके, किस पे, टू एफ जेड इक्वल टू जीरो पे, यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। अब हम बात करते हैं एफ डैश जेड की, एफ डैश जेड कितना हो जाएगा भाई, ये वाला सीक्वेंस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन, था तो एन से कैंसिल हो गया। ओके, टेंडिंग जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, फॉर ऑल जेड के लिए जो डी से आएगा ये, क्योंकि इसे लिख देंगे ना वन अपॉन वन माइनस एन, तो ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा, तो हमें अब वो एम मिलना चाहिए फॉर ईच एम, एम एन फाइंड करेंगे हम। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो मेरा रियल का वीडियो देख लें कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, सुप्रीमम ऑफ जेड टू द पावर एन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू वन। ओके, ये वन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो तो नहीं आया ना, तो वन आ गया, इसलिए क्या हम कहेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं, इम्प्लाइज डेट दिस शो डेट, अगर ये जीरो आ जाता तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाता जेड, ये एफ डैश एंड जेड भी, ठीक है, लेकिन ये नॉन जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे दिस शो डेट
द सीक्वेंस एफ डैश एन जेड इज नॉट यूसी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ओके, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स. नाउ ऑप्शन बी, वो ऑप्शन बी की तरफ है. ओके, देखिए बी पार्ट, इसका हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं. अब क्या कह रहा है कि द सीरीज समेशन एफ एन जेड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन डी. ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन डी. ओके, तो हमें पता है कि अगर इफ समेशन एफ एन जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है काय में, डी में, डी कोई भी डोमेन है यहाँ पर, डी में, ये जो यहाँ पर डी गिवन है, देन क्या होगा, ये इसके क्लोजर पे भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, देन समेशन एफ एन जेड इज ऑल्सो कन्वर्जेंट ऑन डी क्लोजर. डी क्लोजर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि इसके बाउंड्री पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, सच डेट मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू वन, इक्वल टू भी आ जाएगा, तो डी क्लोजर में भी होगा. ओके, बट अगर हम देखें यहाँ पर एट जेड इक्वल टू वन पर हम फाइंड करें, जेड इक्वल टू वन, वन मतलब किस में आएगा, डी क्लोजर में आएगा वन, समेशन एफ एन जेड इक्वल टू हो जाएगा समेशन वन, जब ले लेंगे जेड की वैल्यू वन लेते हैं तो ये वन अपॉन एन हो जाएगा. और ये कैसा है, ये सीरीज कैसी है, विच इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये वन अपॉन सीरीज जो होती है वन अपॉन डाइवर्जेंट होती है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां से, कि समेशन एफ एन जेड कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ओके, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. अब देखिएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या कहता है यहाँ पर, द सीरीज समेशन एफ एन डैश जेड कन्वर्ज फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू डी. ओके, तो समेशन एफ एन डैश जेड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, समेशन जेड टू द पावर एन माइनस वन, इसे हम लिख सकते हैं कितना, वन अपॉन वन माइनस जेड. ओके, तो ये वन अपॉन माइनस जेड कैसे हो गया, फॉर एनी z सभी के लिए, ठीक है, तो ये वन अपॉन जेड, ये तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा एफ डैश, ये कह रहा है एफ डैश, ये कैसा आ गया, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ओके, अब देखिएगा d, तो इसका मतलब c ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एफ डैश एफ एन डैश जेड को पूछा था कन्वर्जेंस, ये हमने दिखाते हैं यहाँ पर कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है यहाँ पर. अब देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि सीक्वेंस एफ डबल डैश अगर दो मतलब सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट कन्वर्जेंट. ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये समेशन इसका हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस टू. ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, इसकी हम कि जब ये पॉलीनोमियल टाइप से ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो जाएगी, हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती है, इसकी कन्वर्जेंस वन होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब इसकी वन है तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्ज तो करेगा ही, फिर ये कह रहा नॉट कन्वर्ज अनलेस दैट इक्वल टू जीरो. ओके, सो हम इसकी लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी के लिए. ओके, सो इसलिए डी ऑप्शन भी यहां से क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये कह रहा नॉट कन्वर्ज अनलेस जेड इक्वल टू जीरो. ठीक है, जबकि ये सभी के लिए अनलेस की बात करता सिर्फ, जबकि ये सभी के लिए क्या है, कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो अगर कोई डाउट है फिर भी आपको, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच.